हेलो फ्रेंड्स, मैं यूसुफ शेख। मेरे यूट्यूब चैनल YSK चैनल टेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह है आपके सामने कैश विड्रॉवल स्लिप। जैसे कि आप जानते हो, बहुत सारे लोग ATM द्वारा पैसे विड्रॉवल करते हैं, चेक के द्वारा विड्रॉवल करते हैं और APS द्वारा आधार कार्ड नंबर से भी पैसे कियोस्क सेंटर में, ग्राहक सेवा केंद्र में विड्रॉवल होते हैं। अगरचे ये सभी चीज़ें काम नहीं कर रही हो तो आप बैंक में ये रेड कलर की कैश विड्रॉवल स्लिप भरकर भी नगदी आहरण पर्ची से, हिंदी में कहते हैं कैश विड्रॉवल स्लिप भरकर भी पैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सीखेंगे इस वीडियो में कैश विड्रॉल स्लिप कैसे भरते हैं। ये रहा कैश विड्रॉल स्लिप भरी हुई आपके सामने दोस्तों। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ तारीख लिखी है, डेट मैंने तारीख यहाँ लिख दी है। उसके आगे आप यहाँ जो अमाउंट निकालना है आपको, जैसे 5000 मैंने लिख दिया है, आप भी लिख लेंगे अपना जो अमाउंट निकालना है। उसके आप यहाँ वर्ड्स में लिखेंगे, मैंने 5000 रुपीस ओनली लिखी है, आप भी यहां से 5000 रुपीस ओनली लिख देंगे। नीचे एक कॉलम बना देंगे जिससे आगे कोई भी दूसरी संख्या ना लिखी जाए। हाँ, नीचे यहां दिखा देख रहे हैं दोस्तों, बैंक अकाउंट नंबर, यहां पूरा अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करेंगे। इसके नीचे आप दोस्तों यहां लिखा है नेम्स अकाउंट होल्डर्स, खाता धारक का नाम, आप यहां अपना पूरा नाम लिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहां लिखा है खाता धारक का हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, तो आप यहां अपनी सिग्नेचर कर देंगे। बस ज़्यादा कुछ भरना नहीं है दोस्तों, इजी और सरल है। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं हिंदी में किस तरीके से ये फिल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं हम हिंदी में विड्रॉल स्लिप किस तरीके से फिल करते हैं। मैंने भर रखी है, आप भी इसे देख लें। ये देखिए दोस्तों, यहाँ डेट लिखेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे, 5000 रुपये मैंने लिख दिए हैं, आप जो अमाउंट निकालना है वो निकाल सकते हैं, वो लिखेंगे। यहाँ अक्षरों में आपने पैसे लिखने हैं, एक डैश लगा देनी है आपको अमाउंट के आगे। यहाँ पर 5000 लिखने के बाद डैश और कॉमा और डैश लगाना ना भूलें दोस्तों। इसके अलावा नीचे आप अपना अकाउंट नंबर फुल लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देंगे। एकदम इजी और सरल है दोस्तों।